यह कौन है आप जानते हैं? यह जो है महान अशोक सम्राट है। कौन है? महान अशोक सम्राट। और इसकी जो है बारे में जानेंगे, यानी अशोक सम्राट जो है 304 से लेकर 304 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया अशोक सम्राट। और अशोक सम्राट जो है वह बिंदुसार का पुत्र था, और बिंदुसार भी खुद सम्राट था। यानी सम्राट बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक, समझा। और वह जो है अखंड भारत पर शासन किया। अशोक सम्राट अखंड भारत पर शासन किया, समझ गए। और अखंड भारत के बारे में चर्चा करेंगे कि वह कहां से कहां तक अखंड भारत था, उसमें भारत कहां से कहां तक फैला था। तो चलते हैं यानी उत्तर में। उत्तर में जो है बिंदुकश यानी हिंदुकश, उत्तर में हिंदुकश श्रेणी से लेकर के दक्षिण में गोदावरी, गोदावरी की श्रेणी है, नदी है, मैसूर है, पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम अफगानिस्तान, ईरान, इधर नेपाल, भूटान, अभी तो ये सब अलग हुआ है, पाकिस्तान ये फिलहाल में भारत से अलग हुआ है, समझे ना। पूरे सभी क्षेत्र जो था ना वह भारत का अंग था, चीन तक वह भारत के अधीन में था। और इतना बड़े क्षेत्र पर जो है सम्राट अशोक शासन किया, क्योंकि उसी जब अशोक सम्राट शासन किया ना उसी युग को कहते थे अखंड भारत, क्योंकि पूरे भारत का अंग था, समझे। और अभी इसके बारे में और जानकारी है कि एक पता और लगा है अभी कि अशोक सम्राट किस जाति का था। बहुत से लोग कहते हैं यानी क्षत्रिय है, बहुत से कहते हैं यानी कुर्मी है, कुछ कुछ जातिगत जो है ये अंदर अंतर्गत लेते हैं, लेकिन वास्तविकता उसकी जातिगत जो है ना, वास्तविकता जातिगत जो है सम्राट अशोक की वह है कुशवाहा। यानी अशोक सम्राट खुद जो थे ना वह कुशवाहा यानी कोहरी, यह जातिगत थे उसका। और आप लोग जानते हैं कि यह जाति जो है यानी कुशवाहा कोहरी जो है बहुत दिनों तक अपने भारत पर भी शासन किया, ऐसी बात नहीं है, समझे ना। अनेकों सम्राट बना उस वंश से, और यह जो है एक महान शासक बना कौन? अशोक सम्राट। अशोक सम्राट इतना महान शासक था, इतना महान शासक था कि उसके आगे कोई नहीं टिक सका, कोई नहीं टिक सका। मुगल आया उससे हार करके भागा, यानी कोई उसके आगे टिक ही नहीं पा रहे थे। किसके आगे? सम्राट अशोक के सामने। और यह जो है अशोक सम्राट जो है ब्लास्ट में जो अपना धर्म परिवर्तित करते हैं, धर्म परिवर्तित। और धर्म इसलिए परिवर्तित किया क्योंकि जब वह अशोक सम्राट कलिंग के साथ युद्ध कर रहा था, जब कलिंग का महाराज मारा गया तो कलिंग के जो राजकुमारी पद्मा थी वह आया युद्ध से रणभूमि में, और वह अशोक को ललकारने लगा और कहा युद्ध करने के लिए तैयारी हो जाओ, हम युद्ध करेंगे। तो अशोक देखते ये तो स्त्री है, तो अशोक कहते हैं हम स्त्री पर वार नहीं करते, स्त्री पर अस्त्र शस्त्र उठाना हमारे धर्म के खिलाफ है, भारतीय धर्म के खिलाफ है कि स्त्री पर अस्त्र और शस्त्र उठाना, समझे। इतना कह करके टाल देते हैं। और यहां पर अशोक सम्राट कहते हैं आज से हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी मनुष्य को नहीं मारेंगे, किसी प्रकार के युद्ध नहीं करेंगे, मनुष्य को तो छोड़िए किसी प्रकार के पशु पक्षी को भी नहीं मारेंगे, ये भी कहा। और यह कहा ऐसा धर्म जो है एक ही धर्म में नहीं पशु पक्षी को मारा जाता है, नहीं युद्ध किया जाता, वह धर्म है बौद्ध धर्म। तो वह जो है चला गया बौद्ध धर्म के अंतर्गत, कौन? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। अब बौद्ध धर्म किसने चलाया था? भगवान बुद्ध। किसने चलाया था बौद्ध धर्म? किसने चलाया? भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध के बारे में तो जानते हैं, वह भी कुशवाहा जाति का था, भगवान बुद्ध भी कुशवाहा जाति का था। और यह जो है क्या चलाया? बौद्ध धर्म, क्योंकि वह भी अपने यानी वह भी एक महान राजा का पुत्र था भगवान बुद्ध, समझे ना। वह जो अपने राज से निकल गया, उसको राज से मोह नहीं था, वह ज्यादा जो है राज में वो लगना नहीं चाहता था, एक अपना धर्म परिवर्तित किया, वह भी एक धर्म यानी जो है ना स्टार्ट किया,
एक ऐसा धर्म चलाएंगे ताकि उसमें जो है किसी प्रकार के मोह माया ना हो। उसीलिए उसने जो है बौद्ध धर्म चलाया और यही से उसके अनेक भिक्षु बने, उसके साथ अनेक उसके सहयोगी बना। बौद्ध धर्म प्रसार होते होते पूरे विश्व में फैल गया। कौन? बौद्ध धर्म। और उसी बौद्ध धर्म को अपनाया लास्ट में कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लिया।